नमस्कार, मैं उमाकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे वायुमंडल के कई कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है और इसको क्यों इतना डिवाइड कर दिया गया, कितने परतें हैं, ठीक है, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वायुमंडल है वो है क्या, वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ जो विभिन्न गैसों का आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला विभिन्न गैसों का आवरण वही वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल जो है, और वायुमंडल और जलमंडल और स्थल मंडल, इनका ये जहां पर तीनों मिलते हैं उसको कहा जाता है जलमंडल। वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, ये तीनों जहां पर मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है जलमंडल। और यहीं पर जीवन संभव होता है, यानी कि यहीं पर जीवन की उत्पत्ति हुई, जलमंडल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल को प्रमुख पांच परतों में हम लोगों ने बांटा है, ठीक है। वो पांच परतें कौन कौन सी हैं, तो वो पांच परतें कौन कौन सी, सबसे पहले आपका पड़ता है छोमंडल। छोमंडल मींस ट्रोपोस्फेयर। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसमें हिंदी में ऑप्शन नहीं दे रखे होते हैं, जिससे कि अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पहला मंडल है वो है आपका छोमंडल। छोमंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर दूसरा आपका है समताप मंडल। समताप मंडल इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर तीसरा जो है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर, मेजोस्फीयर। और जो आपका मध्यमंडल के ऊपर है आयन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद में एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो भी आपके वायुमंडल को बांटा गया है, इन पांच प्रमुख परतों में बांटा गया है, वो कौन कौन सी है, छोमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल मीजोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। तो आपको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इसलिए कि इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में ही कभी कभार ऑप्शन दे रखे होते हैं जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा सवाल जो होता है गलत हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वायुमंडल जो है उसमें गैसों की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल की अगर बात की जाए, तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में किस गैस की मात्रा पाई जाती है, तो वो आपके नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% कितनी पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड नंबर पे है वो है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, वो है 20.93%, 20.93% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसको हम अप्रॉक्स में अगर माने तो 21% अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग 21%। अगर आपका ऑप्शन में 21% है तो 21% ही लगाना है। उसके बाद में आर्गन जो है, देखो आर्गन जो है वो इसमें जो ऑक्सीजन है 20.93%, इसका 2 हटा दीजिए और बाकी जो बचेगी वो
0.93% वो आपकी आर्गन गैस होगी। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है लेकिन उसका परसेंटेज जो है वायुमंडल में बहुत कम है, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है और ये धरातल पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? धरातल पे पाई जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में गैसों का रेशियो है जो आपका इस प्रकार से 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब बात करेंगे जो प्रमुख परतें हैं, छोमंडल, समतामंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इनके विषय में एक एक को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी विशेषताएं, और उससे जो भी प्रश्न बनेंगे कोशिश करूंगा कि वो सारे प्रश्न इसमें मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर दे सकूं। तो सबसे पहले बात करें छोमंडल की। छोमंडल जो है वो धरातल, जो धरातल है यानी कि पृथ्वी का तल है, उससे सटा हुआ है, उससे एकदम उसके उससे मिला हुआ है एक तरीके से। तो जो धरातल से जस्ट तुरंत ऊपर स्टार्ट हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं छोमंडल। अब छोमंडल में जो भी क्रियाएं होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, वो क्या होती हैं? तो नंबर एक, इसमें जो होता है छोमंडल में तापमान प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर की रीजन पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका बढ़ जाएगा। छोमंडल की बात हो रही है। तो छोमंडल में पहला पॉइंट क्या है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद में जो भी आपकी इसमें घटनाएं घटित होती हैं, बिजली चमकना, बादलों का बनना, साथ में आंधी तूफान, ठीक है, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं वर्षा संबंधित, वो सारी की सारी घटनाएं आपकी छोमंडल में घटित होती हैं। और इसी के साथ जो जेट स्ट्रीम आपकी पाई जाती है वो भी छोमंडल में ही पाई जाती है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये बहुत तेज तूफान होते हैं, उन्हीं को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। और इसके साथ ही छोमंडल जो है आपका वायुयान उड़ान के लिए आदर्श नहीं है, यानी कि इसमें जो घटनाएं घटित होती हैं आपकी आंधी तूफान वर्षा मेघ वगैरह जो भी बनते हैं वो इसमें बनते हैं, इसलिए इसमें वायुयान की उड़ान नहीं भरी जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं समतामंडल की। समतामंडल क्या है? इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर एक, ये बहुत ही शांत मंडल है। तो ये बहुत ही शांत मंडल होने के कारण इसमें कोई भी घटनाएं नहीं घटित होती, जैसे कि बादल नहीं बनते हैं, ना कोई आंधी आता है, ना कोई तूफान आता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए काफी आदर्श है, ठीक है। वायुयान उड़ने के लिए काफी आदर्श है, यानी कि इसको वायुयान उड़ने के लिए जो भी दशाएं होनी चाहिए वो सारी की सारी दशाएं समताप मंडल में पर्याप्त हैं। इसके साथ ही समताप मंडल में ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। यह आपकी क्षोभ सीमा हो गई, ये भी याद रखना। क्षोभ सीमा किन दो मंडलों के बीच में है? तो क्षोभ सीमा आपकी है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, छोमंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभ सीमा पाई जाती है, क्षोभ सीमा। तो जो ओजोन गैस है O3 ओजोन परत, वो कहां पाई जाती है? वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो अब ओजोन गैस जो है ये ऑक्सीजन के ही 3 अणुओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ओजोन गैस, ओजोन परत जो है, ओजोन गैस की एक लेयर है जो लगभग 35 से 50 किलोमीटर वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो लेयर जो है इसमें ह्रास हो रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है। और ये ह्रास क्यों हो रहा है? जो CFC
सीएफसी क्लोरो फ्लोरोकार्बन जो है वो निरंतर पृथ्वी पर से ऊपर जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है, जिससे जो बहुत ही खतरनाक है ओजोन लेयर के लिए। इसी के चलते प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत का प्रमुख जो कार्य है वो यह है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन लेयर से जब गुजरती हैं तो ये जो किरणें हैं उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं और जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो एक शुद्ध रूप में प्रकाश आ पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ओजोन परत है काफी महत्वपूर्ण है। और ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र कहां पर देखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ओजोन परत में सबसे पहले जो आपका छिद्र देखा गया था वो देखा गया था 1973 में। कब देखा गया था? 1973 में। और कहां पर देखा गया था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया था, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन छिद्र सबसे पहले देखा गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अगर वो किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आती हैं तो बहुत सारी भयंकर बीमारियों को जन्म देंगी। इसीलिए जो ओजोन परत है समतल मंडल में पाई जाती है, जिससे कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी तक ना आ सकें, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मध्यमंडल की। तो मध्यमंडल क्या है? मध्यमंडल में आपका जो भी उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, उल्का संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो इस मंडल में ही होती हैं। ठीक है, उल्का संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो सारी इसी मंडल में होती हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में टूटते हुए तारे की संज्ञा देते हैं। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। और भी एक बात हम बता दें, इसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो टेम्परेचर वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पर पाया जाता है? मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर में सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे आयन मंडल की। तो आयन मंडल क्या है? आयन मंडल में ये आयनिक अणुओं की मात्रा अधिक है। आयनिक अणुओं की मात्रा अधिक होने के कारण, आयनिक अणुओं की मात्रा बहुत ही अधिक होने के कारण जो भी पृथ्वी से रेडियो किरणें भेजी जाती हैं, रेडियो वेव्स, वो तुरंत यहीं से वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो आयन मंडल का प्रमुख जो महत्व क्या है, जो भी खासकर रेडियो वेव्स जो भी होती हैं वो यहाँ पर आयन मंडल में आयनिक अणुओं की मात्रा अधिक होने के कारण रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यहाँ से वापस आ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारा बहिर्मंडल है इसमें जो भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वो इसी में छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भूस्थैतिक उपग्रह, एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह। तो जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो आपके छोड़े जाते हैं 7,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आपका वायुमंडल है, वायुमंडल का इस प्रकार से जो भी अध्ययन किया गया वो इस प्रकार से। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की विभिन्न गैसें पाई जाती हैं उन्हीं का, उन गैसों का एक मिश्रण से बना हुआ एक आवरण है। तो इस प्रकार से वायुमंडल के बारे में आज हम लोगों ने देखा, उसको 5 परतों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एग्जोस्फीयर। तो इस प्रकार से हमने एक एक के विषय में, एक एक मंडल के बारे में अलग अलग प्रकार से चर्चा की। उम्मीद है कि आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आपको आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।